नमस्कार दोस्तों, रेखा किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की खट्टी तीखी और चटपटी चाट। ये चाट बनारस की फेमस चना चाट है, जो कि आपको वहाँ पे हर गली और नुक्कड़ पे मिल जाएगी। तो इस कोरोना टाइम पे हम कहीं जा तो सकते नहीं, क्यों ना इसे हम घर पे ही ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चना चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम काले चने, जिसे मैंने रात भर भिंगोने के बाद इसे अच्छे से उबाल लिए थे। एक कप कच्चे अंकुरित चने, एक कप कटे हुए प्याज, एक कप कटा हुआ खीरा, एक कप कटे हुए टमाटर, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच इमली का पानी या पेस्ट, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच टाटा नमक, एक बड़ा चम्मच चाट मसाला पाउडर, एक बड़ा चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर, एक कप उबले हुए और चॉप किए हुए आलू, आधा कप धनिया पत्ता, एक नींबू का रस या फिर जितना आपको पसंद हो उतना, अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इस चने के चाट में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च नमक मसाला डाला है, इसलिए आप भी मिर्च या मसाला कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये लीजिए, बिना बनारस जाए आपकी बनारसी चना चाट बनकर तैयार है ना ये आसान सी रेसिपी, जिसे आप जब चाहे अपने घर पे बना सकते हैं। तो हमारी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।